वृंदावन इतना मन भावन है कि मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहती। मारू वन रावन छे रुणू बैकुंठ नहीं रे आबू। मेरा वृंदावन इतना मन भावन है कि मैं बैकुंठ नहीं जाना चाहती। मीरा का वचन है। आप क्यों मोक्ष और मोक्ष की मुक्ति की बात करते, आपके चरण में बैठना ही मधुर लगता है, इसलिए बात करता हूं क्योंकि ये तो मधुरता की शुरुआत है, इसको अंत मत मान लेना। गुरु प्रारंभ है, अंत नहीं। गुरु से गुजरना, गुरु पर रुक मत जाना। गुरु द्वार है, उससे पार हो जाना है। अगर द्वार पर इतना सुख मिलता है तो मंदिर के अंतःकक्ष की तो सोचो, उसी का नाम मोक्ष है। अक्सर ऐसा होता है कि प्यासे आदमी को दो बूंद मिल जाए तो भी खूब तृप्ति मालूम होती, जन्म जन्म की प्यास एक बूंद गिर जाए कंठ, लेकिन उस पर रुक मत जाना। बूंद से सागर की खोज शुरू करना। बूंद है तो सागर है, सागर होगा कहीं, और बूंद जब मिल गई तो सागर भी मिलेगा। इसलिए गुरु के चरणों के माधुरी को आनंद से लो, लेकिन वहीं बैठ के मत रह जाओ, आगे बढ़ो, आगे ही बढ़ते जाना है। जब आगे बढ़ने को कुछ भी ना रह जाए तभी रुकना, जब तक आगे बढ़ने को कुछ भी बचे तब तक रुकना मत, और आगे, तभी तुम परमात्मा तक पहुंच पाओगे। अन्यथा संसार भी रोक सकता है, धर्म भी रोक सकता है। कुछ लोग दुकानों में अटक जाते हैं, कुछ लोग मंदिरों में अटक जाते हैं। कहीं मत अटकना। सदगुरु वही है जो तुम्हें अपने में अटकने ना दे। तुम्हारी बात मेरे समझ में आती। तुम्हें अगर मेरे पास बैठ के आनंद मिल रहा है और इससे बड़ा आनंद तुमने कभी जाना नहीं, तो मैं समझता हूं कि तुम्हारी अड़चन क्या है। तुम सोचते हो अब और क्या मोक्ष, अब कहां जाना, क्या करना। तुम्हारी बात मैं समझता हूं, लेकिन मेरी भी मैं समझता हूं, इसके आगे और है बहुत जो मैंने जाना है। तुमने अभी इतना ही जाना है, तो मैं वहां तक पहुंचाकर ही छोड़ूंगा। उस यात्रा में तुम्हें मुझे भी छोड़ देना होगा, क्योंकि द्वार पीछे रह जाएगा। सदगुरु की परिभाषा मेरी यही है, जो एक दिन कहे पकड़ो मेरा हाथ और एक दिन कहे छोड़ो मेरा हाथ। हाथ पकड़े तब तक जब तक संसार न छूट जाए, जैसे ही संसार छूट जाए हाथ छोड़ दे, क्योंकि अब जो हाथ पहले पकड़ने में साधक हुआ था अब बाधक हो जाएगा। मैं तुम्हें संसार से छुड़ाने को चाहता हूं, मेरा हाथ पकड़ो, फिर परमात्मा से मिलाने को चाहूंगा, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें अभी छाया मिली है उसकी, उससे ही मिलना है। अभी तुमने उसका प्रतिबिंब देखा मेरी आंखों में, अब उसी को खोजना है। अभी तुमने झील में पड़ते हुए चांद का प्रतिबिंब देखा है, अब चांद को खोजना है। झील में पड़ा प्रतिबिंब भी बड़ा प्यारा होता है, मगर प्रतिबिंब आखिर प्रतिबिंब है। आज इतना है।